नमस्कार। आज इस पावन पर्व स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। आइए हम बात करते हैं आज मैडम शालू से, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हम उनकी राय जानते हैं। शालू जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी धन्यवाद दिनेश जी, आपको वो समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू शालू जी। अच्छा शालू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पहली बार 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। करेक्ट। अच्छा, ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हम लोग इसको तिरंगा क्यों कहते हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की प्रधानता होने के कारण इसे तिरंगा कहते हैं। ओके, तो ये शालू जी, ये जो हमारे 3 रंग हैं, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, इन तीनों रंगों का कोई महत्व भी है क्या? जी, केसरिया रंग त्याग और बलिदान, सफेद रंग शांति एकता और सच्चाई, वहीं हरा रंग विश्वास और उर्वरता का प्रतीक है, तथा 24 तीलियों वाला नीले रंग का चक्र कर्तव्य का पहिया है, जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाता है। That's correct. बहुत सही शालू जी। अच्छा शालू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो तिरंगा है, इसका डिजाइन सबसे पहले किसने तैयार किया था? इस झंडे को 1921 में श्रीमान पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। इसमें लाल रंग हिंदुओं के लिए, हरा रंग मुस्लिमों के लिए तथा सफेद रंग अन्य धर्मों के लिए था, और बीच में गांधी जी का चरखा था। करेक्ट करेक्ट। लेकिन शालू जी, जो हम लोग तिरंगा आज देखते हैं, इस तिरंगे में तो लाल रंग तो नहीं है, बल्कि केसरिया रंग है, और चरखा भी नहीं है, चक्र है उसकी जगह, ये क्या कारण है? जी हाँ, 1931 में लाल रंग को बदल कर केसरिया रंग लगाया गया, तथा बाद में इसमें चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र को रखा गया। अच्छा, ये हमारा जो तिरंगा है, इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? जी, 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में इसे राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप में मान्यता मिली। करेक्ट, थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, हम लोग जो ये तिरंगे को लेके इस साल एक मुहिम चला रहे हैं, तो क्या आप बता सकती हैं कि वो मुहिम क्या है? क्यों, इस बार आजादी के अमृत महोत्सव पर हम जो मुहिम चला रहे हैं, वो है हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। करेक्ट करेक्ट, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, दैट्स करेक्ट, वेरी करेक्ट शालू जी। थैंक यू शालू जी फॉर गिविंग अस सो मेनी इन्फॉर्मेशंस अबाउट तिरंगा एंड इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू दिनेश जी, वंस अगेन विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। जय हिंद शालू जी, जय हिंद।